अगर आपको ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है और आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि इस कोर्स को करने के बाद हमें कहां कहां जॉब मिलेंगी, कितने रुपए तक हम पर मंथ का कमा सकते हैं, ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप किस तरीके से आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्टिस्ट बनने के बाद क्या करियर ऑप्शंस रहने वाले हैं, सब कुछ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर्टिस्ट बना कैसे जाता है तो बहुत ही सिंपल सा वे है। सबसे पहले तो आपको 12th पास करना है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हों, आप 12th पास हों, और उसके बाद आपको डिग्री जब लेनी होगी तो वो लेनी होगी BFA की, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें अगर आप डिग्री लेते हैं तो इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, छोटी छोटी बारीकियों पर आपके काम किया जाएगा और आपको एक बेहतर आर्टिस्ट बनाया जाएगा। और अगर आपने इस डिग्री को ले लिया तो आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं कि आपने अगर BFA करना है तो उसके लिए आपकी एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और आफ्टर BFA अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर एज अ इंडिविजुअल कुछ काम करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपकी पेंटिंग और स्केच दोनों ही बेहतरीन होनी चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश के साथ में यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कंप्यूटर की। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें हम जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप किसी भी न्यूज़पेपर में एज अ कार्टूनिस्ट काम कर सकते हैं, किसी भी न्यूज एजेंसी या फिर मैगजीन में एज अ डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं, या अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप CBI में जा सकते हैं, CID में जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं एज अ स्केचेस, जहाँ पर आपको स्केच बनाने होंगे लोगों के, या फिर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने द्वारा बनाए गए मास्टरपीस एग्जीबिशंस को सेल करके। यहाँ पर अगर हम एक आर्टिस्ट की सैलरी की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको 25,000 से 30,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है पर मंथ की। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी 40 से 50 तक रह सकती है। तो कुछ भी हो, यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आप अपने पैशन को चूज़ करते हैं तो आगे जाकर आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ, मैं ये करना चाहता था, ये कर सकता था पर मैंने ये नहीं किया। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि घर वाले चाहे जितना फोर्स करें पर आप अगर अपनी मर्जी से वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप आर्टिस्ट किस तरीके से बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।